दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के साथ 8 टीमों ने 30 नवंबर को आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने लंबे समय तक टीम की कप्तानी की कमान संभाली थी, फिर भी उसे रिटेन नहीं किया गया। आखिर क्या हुआ ऐसा कि टीम मैनेजमेंट ने उसे जाने दिया? कैसे आईपीएल के अगले सीजन में अब वो बनेगा आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी? हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे पूरी जानकारी। आईपीएल के 2022 के संस्करण में दो नई टीमों के शामिल होने से बीसीसीआई मेगा ऑक्शन का आयोजन करेगा। इसके तहत पुरानी 8 टीमों को 4-4 खिलाड़ी रिटेन करने की छूट दी गई थी, जिसका कई टीमों ने पालन भी किया और अपने 4-4 प्लेयर रिटेन किए। इन सभी में किंग्स इलेवन पंजाब एक ऐसी टीम थी जिसने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया। पंजाब ने अपने कप्तान केएल राहुल को ही रिटेन नहीं किया, इसने सभी को चौंका दिया। बाद में खुद टीम की ओर से इस पर सफाई दी गई कि पंजाब के कोच अनिल कुंबले ने खुद सामने आकर बताया, कहा कि वो केएल राहुल को रिटेन करना चाहते थे, वो टीम की पहली पसंद थे रिटेन के लिए, लेकिन खुद केएल राहुल ने ही इनकार कर दिया। उनके भविष्य को लेकर उनका अलग प्लान है। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि केएल राहुल को रिटेन न करने का क्या कारण था। अब इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि केएल राहुल आईपीएल की नई टीम लखनऊ की कप्तानी की कमान संभाल सकते हैं। सूत्रों की माने तो राहुल और लखनऊ के फ्रेंचाइजी के बीच पूरी प्रक्रिया को लेकर लगभग सभी चीजें तय हो चुकी हैं, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लखनऊ की टीम केएल राहुल को आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा अमाउंट दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो केएल राहुल को लखनऊ 20 करोड़ रुपए में साइन कर सकता है। अगर ये सब बातें सच साबित हुई तो केएल राहुल रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे। इसकी घोषणा भी जल्दी हो सकती है क्योंकि दोनों नई टीम लखनऊ और अहमदाबाद को मेगा ऑक्शन से पहले 3-3 खिलाड़ियों को रिटेन करने की छूट दी गई है। लंबे समय तक पंजाब के लिए खेलने के बाद टीम का साथ छोड़ने के लिए केएल राहुल के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।